मम्मी कुक यम्मी फूड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं करी, ये टेस्टी टेस्टी करी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये बेसन, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 5 चम्मच लिए हैं, और इसके साथ ये नमक, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला लिया। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है, ये मैंने घर में जमाया था। और फिर अब इसमें पहले ये मसाला डालेंगे बेसन में, और फिर उसके बाद डालेंगे दही। ये थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, टेस्ट और अच्छा होता है, मज़ा आता है। अब इसमें हम डालेंगे दही, ये मैंने रात में जमाया था, और सुबह देखिए कितना अच्छा निकला है, बहुत अच्छा जमाया दही। तो इसमें दही 2 चम्मच डालेंगे। दही डालने से ये फ्लफी होता है और सॉफ्टनेस बहुत अच्छा आता है, इसका बहुत टेक्सचर अच्छा हो जाता है, इसलिए दही डालते हैं। थोड़ा मिक्स करेंगे, और फिर इसमें जाएगा पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी बहुत कंट्रोल में डालेंगे, थोड़ा पानी चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमें थिक बैटर बनाना है। अगर गाढ़ा हो गया, पतला हो जाएगा, तो फिर और इसमें बेसन ऐड आप कर सकते हैं, फिर उससे क्वांटिटी बढ़ जाएगा, फिर मसाला का टेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया बैटर। अब इसमें हम डालेंगे ये तेल सबसे पहले, और फिर इसमें राई जीरा और मेथी दाना थोड़ा सा ज़रूर डालें इसमें, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। ये मैंने डाला करी पत्ता, और करी पत्ता के साथ जाएगा ये हरी मिर्च। 2 ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है आपको, अगर बनाना है तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये प्याज, थोड़ा सा टमाटर, सब मसाला थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमें ये देखिए हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, काली मिर्च पाउडर भी है उसमें, और ये टमाटर डाल के इसको थोड़ा पकाना है, और इसमें ही सब मसाला आपको डाल देना है, सब मिक्स कर देना है मसाला। ये 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये जाएगा इसमें 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स करना है और अच्छे से पका लेना है पहले, ये पूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें डालेंगे ये जो मसाला सब मैंने एक जगह किया था, ये सब मसाला, और फिर इसे थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अच्छे से गल जाना चाहिए, सब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तो करी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस ये पानी डाल के इसमें थोड़ा सा इसको ढककर छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। ये देखिए, ये हमारा थोड़ा गल भी गया है, और पकेगा भी, ये थोड़ा मसाला और भुनना बाकी है। मसाला अच्छे से भुनेगा तो खाना में टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए, ये हमारा होममेड दही है, और इसे हम करेंगे मिक्सर में ग्राइंड। इसे ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी कम जाता है इसको मिक्स करने में। और इसी में हम डाल देंगे बेसन, बेसन अलग से घोलने का ज़रूरत नहीं है, दही में ही, मिक्सचर में ही डाल देंगे एक साथ, बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका। तो जितना भी दही लेंगे उसका 1/2 बेसन लेंगे, तो उसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ये मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है, और इसमें ये मेरा दही और बेसन का पेस्ट भी रेडी है। ये डालेंगे इसमें भुना मसाला में, ये देखिए वाओ, ये गया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये इसमें अच्छे से मिक्स करना है कि ये दही और बेसन के मिक्सचर में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस थोड़ा सा भून लेना है इसमें कि इसका बेसन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, ये मसाला सब ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम पानी, और अब अच्छे से इसमें पानी डालकर इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे।
मीडियम टू लो फ्लेम में रखेंगे और कम से कम 10 से 15 मिनट इसको बॉईल करेंगे। इससे दही और बेसन अच्छे से पक जाएगा और सब मसाला मिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए, और पानी अच्छे से डालना है। ये इसमें गया है पानी, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है इसमें। और अब इसको ढक कर रख देंगे बॉईल करने के लिए। देखिए सब कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और ये है हमारा पकौड़ा, तलना है हमें। तो ये तेल डाला है इसमें फ्राइंग पैन में, और ये हमारा बेसन बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, ये देखिए। और छोटे छोटे चम्मच से या हाथ से भी आप कर सकते हैं एज योर विश, लेकिन चम्मच से एक शेप का रहता है और देखने में भी प्यारा लगता है इसलिए। ये देखिए, ये हम लोग बचपन में खाते थे बताशा, ठीक वैसा दिख रहा है, लेकिन ये फिर फूल के एकदम गोल गोल हो जाएगा। देखिए हमारा पकौड़ा हो गया रेडी। यहाँ हमारा बेसन का ये मिक्सचर भी रेडी हो गया, करी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फ्लफी सा सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बना है पकौड़ा। और इसे डाल देंगे हम ये फूटता हुआ करी में, इसको ढक के छोड़ देंगे। ये और पकौड़ा हमने बना लिया है और ये भी जाएगा करी में। इसको डालकर अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके 5 मिनट के लिए बस मीडियम टू लो फ्लेम में छोड़ देना है ढककर। और ये हमारा करी हो गया है रेडी। अब इसे आप टेस्ट कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतना इजी और टेस्टी सा करी, ये चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, अच्छा लगता है।